अधिकारी वर्ग और जो ये लोग फैलाते कि पैकेट वाला मोर्चा और पैकेट वाला गैंग, ये सब अभी क्लियर हो गया है कि कोई पैकेट नहीं आता है और कोई चॉकलेट नहीं मिलता है। जो कुछ आदाब, आइए बात करते हैं इस उपोषण की। भिवंडी शहर में 15 अगस्त के दिन ही टोरेंट भगाओ अभियान के अंतर्गत तब से अब तक ये धरना यहाँ चल रहा है। ये उपोषण है और उपोषण मतलब खाना पीना कुछ नहीं और धरने पर बैठना है, इसको आप आमरण उपोषण भी कह सकते हैं। बहरहाल भिवंडी शहर में टोरेंट पावर के ताल्लुक से 2007 के बाद से, अब ये 2023 है, इस तरह के धरने मोर्चे बराबर चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। मगर टोरेंट अपनी जगह पर है, मगर दिन प्रतिदिन टोरेंट पावर की जो यूनिट की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बढ़ा हुआ पैसा भिवंडी शहर में किसके पास जाता है या भिवंडी शहर से बाहर किसके पास जाता है, इसकी जाँच होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये उपोषण यहाँ चल रहा है और इस वक्त पूर्व आमदार भिवंडी पूर्व के रुपेश दादा महात्रे भी यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का आना जाना चालू है, मगर टोरेंट भिवंडी शहर में टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्या टोरेंट पावर से संबंधित अधिकारी जो भिवंडी से बाहर मंत्रालय या दिल्ली तक बैठे हुए हैं, भिवंडी शहर वालों को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। मैं खान फकरियाल बड़ी दुर्दर्व की बात है कि एक हमारे सम्माननीय राज पाटिल जो शेतकरी संगठन से बिलोंग करते हैं और उन एक भिवंडी के लोगों के लिए यहाँ लड़ने की कोशिश करने वाला एक योद्धा, उनको यहाँ पर अमरण उपोषण करना पड़ रहा है। ये बड़ी भिवंडी के लिए दुर्दैव की बात है। आपको सबको पता है कि पिछले कई सालों से टोरन कंपनी यहाँ पर आने के बाद अच्छी सुविधा देने की काम करेगी, ऐसा सबकी सोच थी। लेकिन वो सोच को उन्होंने बाजू में रखकर भिवंडी के सभी लोगों को, शहर हो चाहे ग्रामीण हो, सभी को परेशान करने का काम किया है। भिवंडी की जनता आज टोरन से त्रस्त है, क्योंकि विजिलेंस के केसेस हो, चाहे उनका एरेगन सिस्टम हो, चाहे बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विरोध में आपने देखा है कि पिछले एक महीने से यहाँ पर बहुत सारे मोर्चे निकले, मंत्रालय तक मोर्चा गया, उसके बाद इन्होंने अमरण उपोषण यहाँ तक किया। जो हमारे राजपाटिल साहब ने पिछले 1.5 महीने पहले ही कहा था कि हम टोरन के खिलाफ अमरण उपोषण करेंगे, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आज उनको 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन भिवंडी को टोरन से आज़ाद करने के लिए उनको यहाँ पर अमरण उपोषण करने की ज़रूरत पड़ी और 15 तारीख से वो यहाँ पर अमरण उपोषण में बैठे हुए थे। लेकिन पिछले 3 दिन से प्रशासन और शासन के कोई लोग इस चीज़ को ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज सम्माननीय हमारे प्रांत अधिकारी जो शासन के प्रतिनिधि यहाँ पर आकर उन्होंने जो विनती की और आने वाले ये हफ्ते में फ्राइडे को मीटिंग रख कर टोरन के बारे में जो जो समस्या है जो शहर लेवल की है वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। और उसके बाद टोरन को यहाँ से हटाने के लिए जो शासन स्तर पर जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए हम सब लोग जो जो अपने ईमानदारी से टोरन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी लोगों को साथ में लेकर हम ये आंदोलन को आगे जारी रखेंगे और जब तक टोरन यहाँ से हटेगी नहीं हम सब लोग ये लड़ाई आगे तक रखने की कोशिश करेंगे। आज ये अमरण उपोषण से
राज पाटिल साहब को अमरोन उपोषण यहाँ पर छुड़ाने की का काम हमारे प्रांत ने और हम सब ने उनसे रिक्वेस्ट करके आज उन्होंने ये उपोषण छोड़ा है, लेकिन लड़ाई छोड़ी नहीं है। आने वाले समय में तोरण को यहाँ से जब तक हम लोग भगाएंगे नहीं, जब तक कामयाब नहीं होंगे, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हम सब लोग एक साथ आकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आज के समय आपको इतना ही मैं यहाँ पर प्रांत साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि नोडल ऑफिसर यहाँ पर रहेंगे, तोरण के अधिकारी रहेंगे, डीसीपी साहब जो पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उन्होंने भी कहा है कि जब जब आंदोलन होते हैं तो तोरण पावर तो बाजू में रहती है, लेकिन सामने आते हैं पुलिस और पुलिस और पब्लिक का संघर्ष होता है, तो जहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है, वहाँ पर पहली भूमिका पुलिस की रहती है। तो पुलिस ने भी कहा है कि हम लोग भी रहेंगे, नोडल ऑफिस से लोग आएंगे, MSDCL के लोग आ जाएंगे और यहाँ पर जो जो लोग ईमानदारी से ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें राज पाटिल साहब है और भी बहुत सारे लोग जो है जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब लोग वो मीटिंग में रहेंगे और वो जहाँ तक भिवंडी स्तर के मुद्दे हैं वो मुद्दों पर चर्चा होकर उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन जो शासन स्तर पर मुद्दे हैं वो लड़ाई हम आगे चल के पूरी लड़ने वाले हैं। सर्वाना जय जिजाऊ जय शिवराय। शेतकरी संघटनेचा कोकण विभागीय अध्यक्ष राज पाटील भिवंडीतील एक त्रस्त ग्रामस्थ आणि म्हणजे ॲक्च्युली मला बोलता येत नाही आहे। प्रकार असा आहे दादा इथं आले त्यांचे आभार व्यक्त करतो, त्यांनी जो मला सपोर्ट दिला अक्षरशः म्हणजे माझ्यासाठी खूप मोठा आहे। आणि ही लढाई म्हणजे दादाच्या बोलण्याप्रमाणे का आपल्याला जगायचं आहे, रहेंगे तो आगे लड़ेंगे, इन्हें जिएंगे तो आगे लड़ेंगे, इस तरह की जो कहानी होती है तो अपने को अभी प्रशासन को तो झुलाना ही है। जिनके हाथ में जो अधिकार है उनके पास से अपने हकों के लिए लड़ाई तो जारी रहने वाली है, ये रुकने वाला नहीं। मैंने 2017 से चालू किया था तो देश की आज़ादी का जो 75वां ये लोग ने स्वतंत्र दिन मनाया और ये टोरेन 15/8/2007 में जब यहाँ पर आई थी मैंने वही दिन यहाँ पे चुना है, तो आगे भी मैं यही दिनों से आगे चलूँगा। मैं यहाँ से शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ और मेरे सबसे एक विनंती है कि ग्रामीण की जो जनता है उनके दिल में जो अधिकारी वर्ग और जो ये लोग फैलाते कि पैकेट वाला मोर्चा और पैकेट वाला गैंग ये सब अभी क्लियर हो गया है कि कोई पैकेट नहीं आता है और कोई चॉकलेट नहीं मिलता है। जो कुछ है यहाँ पर सब अभी सबके सामने हुआ है और मीडिया के आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया ने अच्छी साथ दी, मीडिया ने डेली 4 दिन का अपडेट इतनी ज़बरदस्त दिखाया, उसमें हमारे पाल साहब भी है, गाँवकरी के अनिल भी है और आप लोग सब है जिनके मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन सब लोग ने अच्छा सहकार्य किया है। तो आगे ये सब चलता रहेगा, आप लोग का सहारा हम लोग को चाहिए क्योंकि देश में चौथा कना बोला जाता है मीडिया, तो सही को सही और गलत को गलत कहने का जो साहस रखते हैं तो मीडिया रखती है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ और जय जिजाऊ जय शिवराज।